गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन इक्लव इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डन फॉर्मूला फॉर्मेशन फॉर द मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। इसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे करने के लिए कि उनके फॉर्मूला फॉर्म करके आप मुझे बताइएगा। तो आज पहले उनको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद अपन लेंगे फॉर्मूला फॉर्मेशन फॉर द आयनिक कंपाउंड्स। देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने एग्जांपल्स आपको एक एग्जांपल करके बताया था फॉर्मूला फॉर्मेशन फॉर द वाटर, वो मैंने आपको करके बता दिया था। उसके बाद अपन ने लिए थे, मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो था फॉर्मूला फॉर्मेशन फॉर द हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके लिए आपको फॉर्मूला बनाना है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन और सल्फर यहाँ पर एज अ एलिमेंट यूज़ किए जा रहे हैं फॉर द फॉर्मूला फॉर्मेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले जब अपन स्टेप फॉलो करते हैं फॉर्मूला फॉर्म करने के लिए, तो सबसे पहले पिछले वीडियो लेक्चर में अगर आपने कंसीडर किया हो तो उसमें अपन ने क्या बताया था कि सबसे पहले एलिमेंट्स जो भी फॉर्मूला फॉर्म कर रहे हैं उन एलिमेंट्स के पहले सबसे पहले सिंबल्स को लिखा जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और सल्फाइड जो है उसमें हाइड्रोजन और सल्फर दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनके सिंबल्स आप सबसे पहले लिखिए H, सल्फर के लिए यूज़ करते हैं पर S। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं, तो अब उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें अपन क्या लिखेंगे, इनके नीचे इनकी वैलेंसीज लिखेंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो जब आप इनको वैलेंसीज को इनके नीचे लिख लेंगे तो फिर अपन थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे। थर्ड स्टेप में अपन क्या देखते हैं कि कोई सिंपल कॉमन फैक्टर तो नहीं है इनके अंदर। अगर कॉमन फैक्टर होता है तो उससे क्या कर देते हैं अपन, उसको डिवाइड कर देते हैं, सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं। और अगर सिंपल रेशियो में पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है तो उस सिंपल रेशियो को अपन क्या करते हैं, क्रॉस ओवर करके एज अ सबस्क्रिप्ट लिख देते हैं। लेकिन सबस्क्रिप्ट में लिखते टाइम भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि कोई पॉलीएटॉमिक तो नहीं है। अगर पॉलीएटॉमिक होता है तो जो भी पॉलीएटॉमिक है उसको आप ब्रैकेट में लिख कर और फिर उसके नीचे वैलेंसी को एज अ होल ब्रैकेट के नीचे आप यूज़ करते हैं। कब? जब वैलेंसीज 2 या फिर मोर देन 2 आपको उसके लिए अप्लाई करनी हो। तो सिंगल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए अपन ने कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं किया था क्योंकि दोनों ही 1-1 की एग्जिस्टेंस के अंदर थे और 1-1 वैलेंसी को लिखने के लिए कोई ब्रैकेट की नीड नहीं होती है। तो यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे तो ये पहले से ही किस में है, एक सिंपल रेशियो में है। सिंपल रेशियो में है तो डायरेक्टली अपन इसको क्या कर देंगे, क्रॉस ओवर कर देंगे इन बैलेंसेज को, और क्रॉस ओवर करने के बाद एज अ सबस्क्रिप्ट इसका फॉर्मूला लिख कर फॉर्मूला बना लिया जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए H के नीचे आ जाएगा 2 और सल्फर के नीचे 1 जाएगा। तो 1 को लिखने की कोई नीड नहीं होती है क्योंकि सल्फर पहले से ही एज अ 1 एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो फॉर्मूला जो बना हाइड्रोजन सल्फाइड का वो क्या बन गया आपके पास, H2S बन गया। ठीक है, ऐसे ही आपने होमवर्क के अंदर किया होगा अमोनिया, जो सेकंड मैंने आपको दिया था वो किसका था, अमोनिया। तो फॉर्मूला फॉर फॉर्मूला फॉर्मेशन फॉर अमोनिया, देखिए अमोनिया में कौन से दो एलिमेंट्स हैं जो आपस में रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो वो दो एलिमेंट्स हैं आपके पास, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। तो नाइट्रोजन जो होता है उसका सिंबल होता है, फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है, पहले सिंबल आपको देने हैं। तो नाइट्रोजन के लिए क्या होता है, N, और हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, H।
सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इनकी वैलेंसीज को लिखेंगे। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 3। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। फिर सिंपल रेशियो देखना है, तो सिंपल रेशियो पहले से ही एग्जिस्ट है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं पाया जा रहा, सिंपल रेशियो यही होगा। तो अब क्या करना है, एज अ फोर्थ स्टेप क्रॉस ओवर करना है, और क्रॉस ओवर करने के बाद वैलेंसीज को एज अ सबस्क्रिप्ट इन द फॉर्मूला वी विल राइट। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बना फॉर्मूला, एन के नीचे 1 आया, तो कोई इंटीमेशन की ज़रूरत ही नहीं है, 1 लिखने की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पर एन लिख दिया, 1 की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखना पड़ेगा? 3। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या हो गया? NH3। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर्मेशन फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मूला फॉर्मेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला देख रहे हैं अपन। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे? कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले सिंबल, कार्बन के लिए सी, ऑक्सीजन के लिए ओ। सिंबल्स लिख लेने के बाद क्या लिखते हैं? वैलेंसीज। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4+4। और ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में कॉमन फैक्टर है, क्या है कॉमन फैक्टर? 2 इज द कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके इन दोनों को सिंपल रेशियो में लाना पड़ेगा। तो सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, वी कैन सी दैट वैलेंसीज हैव 2 नंबर एज कॉमन फैक्टर, सो फर्स्ट वी विल टेक सिंपल रेशियो। ठीक है, सिंपल रेशियो देखिए कैसे लेंगे, सिंपल रेशियो हो जाएगा 2:1, क्योंकि ये 2 times गया और ये 1 time गया। ठीक है, तो सिंपल रेशियो अपन ने ले लिया। अब सिंपल रेशियो लेने के बाद अब आपको क्या करवाना है, नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करवा के और इसको क्रॉस ओवर करवाना है, यानी वैलेंसीज को क्रॉसिंग ओवर के थ्रू एज अ सबस्क्रिप्ट दोनों एलिमेंट्स के नीचे ले जाना है। तो इस 2 को अपन ले जाते हैं ओ के नीचे और इस 1 को ले आते हैं कार्बन के नीचे। तो आपका फॉर्मूला जो है वो क्या बन गया आपका, CO2। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया सिंपल रेशियो लेने के बाद, क्योंकि कार्बन के नीचे आ गया 1 और ऑक्सीजन के नीचे आ गया 2। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिंपल रेशियो आपके पास आ गया। ठीक है, यानी सिंपल रेशियो आने के बाद फॉर्मूला आ गया, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट है फॉर्मूला, आपको जो लास्ट मैंने दिया था वो था फॉर्मूला फॉर द कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए इस कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो एलिमेंट है जो कि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो है कार्बन और क्लोराइड। कार्बन के लिए सिंबल आप लिखेंगे सी, क्लोराइड के लिए आप लिखेंगे सी एल। ठीक है, अब
जब सिंबल आपने लिख लिया है उसके बाद इनकी क्या लिखनी है सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग? वैलेंसीज। इसकी वैलेंसी प्लस फोर, क्लोरीन की माइनस वन। सिंपल रेशियो ऑलरेडी प्रेजेंट है क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल रेशियो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आप क्या करवाएंगे फिर? नेक्स्ट स्टेप फॉलो करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेप फॉलो करने के ड्यूरिंग आप क्या कहेंगे कि क्रॉस ओवर करवा के लिखना पड़ेगा बैलेंसीज को। कैसे लिखना पड़ेगा? एज अ सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट में जब आप इनको लेके जाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा CCl4। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कैसे हुआ वो आपको पता ही है। वन इसके नीचे लिखोगे कोई मीनिंग ही नहीं है क्योंकि कार्बन पहले से एक ही प्रेजेंट है, ठीक है। और Cl के नीचे आपको क्या लेके जाना पड़ेगा? फोर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपको इस वैलेंसी को Cl के नीचे लिखना होगा, ठीक है। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्मेशन। नेक्स्ट अपन लेते हैं फॉर्मूला फॉर्मेशन में आयनिक कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला फॉर्मेशन। तो फॉर्मूला फॉर्मेशन फॉर आयनिक कंपाउंड्स, फॉर्मूला फॉर्मेशन फॉर आयनिक कंपाउंड्स। देखिए ज़्यादा कुछ डिफरेंस इसमें भी नहीं आएगा। जो रूल्स अपन ने पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए यूज़ किए थे एज इट इज़, वैसे ही रूल्स इसके अंदर भी अप्लाई करने पड़ेंगे। वैसे ही एलिमेंट्स को सिंबलाइज करना पड़ेगा, वैसे ही उनकी वैलेंसीज नहीं यूज़ करेंगे आप। वैलेंसीज की जगह अपन क्या यूज़ करेंगे? चार्ज वर्ड यूज़ करेंगे। बात तो वही है, वैलेंसीज के अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर अपन चार्ज देते हैं। जैसे कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो प्लस 4 लिखा जाता है, या फिर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो माइनस 2 लिखा जाता है। बट नाउ इफ यू आर राइटिंग द आयनिक कंपाउंड्स देन यू विल यूज़ द टर्म एज अ चार्ज, यानी उस एलिमेंट का चार्ज अपने को लिखना पड़ेगा। पहले अपन क्या लिखते थे स्टेप के अंदर कि पहले आप सिंबल लिखिए, सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग अपन क्या लिखते थे, देन राइट द वैलेंसीज बिलो द एलिमेंट्स, यानी आपको वैलेंसीज एलिमेंट्स के नीचे लिखनी पड़ती थी। अब सेकंड रूल के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे? राइट द चार्ज बिलो द एलिमेंट्स, यानी आपको अब फॉर्म रूल्स तो वही अप्लाई करने हैं। यानी जैसे ही आप फर्स्ट रूल लिखेंगे आप वही रूल लिखेंगे जो आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए लिखा था, और वो क्या था? फर्स्ट राइट द सिंबल्स ऑफ आयंस विच आर फॉर्मिंग कंपाउंड, जो कि कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, उन आयंस के सिंबल्स को आपको वहां पर लिखना है। सेकेंड स्टेप में क्या लिखोगे? राइट द चार्ज ऑफ द आयंस बिलो द आयंस। थर्ड, इफ एनी कॉमन फैक्टर इज एग्जिस्टिंग देन टेक द सिंपल रेशियो। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसका सिंपल रेशियो ले लीजिए। फिर क्रॉस ओवर द चार्जेस न्यूमेरिकल वैल्यू, क्रॉस ओवर करना है उन चार्जेस न्यूमेरिकल वैल्यूज को जो कि एलिमेंट्स के लिए अपने ली है, न्यूमेरिकल वैल्यूज
एज सबस्क्रिप्ट ऑफ आयंस। और नेक्स्ट रूल क्या होगा, वही जो सेम था, पॉलीएटॉमिक आयन अगर है तो उसको किसमें क्लोज करेंगे, ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, और फिर ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद उस चार्ज को या उस जो आयनिक कंपाउंड का दूसरे वाले एलिमेंट का जो चार्ज है, आयन का जो चार्ज है, उसको आप उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। देखिए कुछ एग्जांपल्स अपन देखते हैं यहाँ पे किसके लिए, कार्बन कंपाउंड्स के लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। आयनिक कंपाउंड्स जो अपन ले रहे हैं वो कुछ भी ले लीजिए, वैसे तो बहुत सारे हैं, पर आपकी एनसीईआरटी बुक में ज़्यादा एग्जांपल नहीं मिलेंगे, तो मैं आपको वर्कशीट भेज दूँगी, उस वर्कशीट के अंदर देखकर आप फॉर्मूला फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि लगभग दो एक्सरसाइजेज हैं बुक के अंदर मॉडर्न एबीसी में, जो कि एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगी, उसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला फॉर्मेशन के लिए ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो पोर्शन है आपके चैप्टर का वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये टेंथ के पूरे एक कंप्लीट चैप्टर को आपके कंसिडरेशन में लाएगा, यानी अगर आपको फॉर्मूला फॉर्मेशन आता है तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। तो मैं आपको वर्कशीट भेज दूँगी, उसके रिगार्डिंग आप बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं इसके बेस पे वो आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूला फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला फॉर्मेशन जो है वो आपके इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला फॉर्म करने के लिए अपन आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला फॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं अपन, फॉर्मूला फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला फॉर्म कर रहे हैं अपन, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर आपको पता है दो एलिमेंट ले रहे हैं, दो आयंस ले रहे हैं बेसिकली, अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, ये सिंबल होता है, ऑक्सीजन O। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, स्टेप के अंदर सिंबल्स लिखने होते हैं, सेकंड स्टेप के अंदर अब क्या लिखना है, इनका चार्ज लिखना है, क्योंकि ये किस फॉर्म में ले रहे हैं अपन, आयनिक फॉर्म में ले रहे हैं। तो चार्ज अगर आप लिखेंगे तो इसका होता है चार्ज प्लस टू और इसका होता है चार्ज माइनस टू। पहले भी मैंने बताया था कि चार्जेस को फॉर्मूला फॉर्म करते टाइम चार्जेस को अपन अप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को अप्लाई करते हैं जो उसके साथ लिखी हुई होती है। अब देखिए सेकंड स्टेप में अपन ने उनके चार्जेस को इनके नीचे लिख दिया, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर देखते हैं कि कॉमन फैक्टर है कि नहीं है। तो इसमें देखिए कॉमन फैक्टर है, दिखाई दे रहा है बिल्कुल, टू टू यानी सेम ही है, यानी टू इज़ द कॉमन फैक्टर। जब आप इस कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रेशियो आ जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो वन वन, और वन वन को इंटीमेट करना कोई नेसेसरी तो होता नहीं है। तो जैसे आप क्रॉस ओवर करवाएंगे तो इन क्रॉस ओवर को एज ए सबस्क्रिप्ट लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है सबस्क्रिप्ट लिखने की, क्योंकि वन वन एलिमेंट ऑलरेडी ही प्रेजेंट हो जाएंगे जब आप फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, MgO इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक और लेते हैं, पॉलीएटॉमिक का लेते हैं, फॉर्मूला फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, सिंबल कैल्शियम के लिए Ca, हाइड्रोक्साइड के लिए OH,
फिर देन चार्जेस प्लस टू माइनस वन, सिंपलेस्ट रेशियो, पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ पे टू यहाँ पे वन। तो सिंपली आप क्या करेंगे, क्रॉस ओवर करवाएंगे टू को OH के ऊपर और वन को CA के ऊपर। देखिए ये क्या है, पॉली एटॉमिक, ठीक है। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो वैलेंसी इसके नीचे जा रही है वो कितनी है, टू। तो मैंने आपको बताया था कि वन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप विदाउट ब्रैकेट भी उसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर वन से ज़्यादा वैलेंसीज अगर आप उसके ऊपर लिखना चाहते हैं पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर, तो आपको उसको पहले ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट के बाहर एज अ सबस्क्रिप्ट उस वैलेंसी को आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्लोज करना नेसेसरी हो गया, बिकॉज वैलेंसी जो आप उसके ऊपर लिखने जा रहे हैं वो या चार्ज जो आप उसके नीचे लिखने जा रहे हैं एज अ सबस्क्रिप्ट वो कितनी है, टू है, या टू या मोर देन टू अगर कोई चार्ज होता है और उसे पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर अगर आपको अप्लाई करना होता है, तो फर्स्ट यू विल राइट द ब्रैकेट एंड देन आफ्टर यूज द चार्ज एज अ सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा आपका सी ए ओ एच का होल ट्वाइस, यानी ब्रैकेट और फिर ट्वाइस। होल का मतलब O और H दोनों पर 2 2 है, यानी यहाँ पर ये जो 2 आपने लगाया वो O पर भी है और ये 2 H पर भी है, ठीक है। तो अपने को ये लिखना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप इसके नीचे 2 लिख देते इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोजन ही क्या है, 2 एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि ऑक्सीजन सिर्फ अकेला है। तो ये रॉन्ग वे हो जाता है रिप्रेजेंटेशन का, इसलिए आप जब भी पॉलीएटॉमिक आयन को मोर देन टू या टू के साथ चार्ज के साथ लिखें तो उसके क्या लगाना कंपलसरी हो जाता है, ब्रैकेट लगाना कंपलसरी हो जाता है। देखिए और अगर एग्जांपल करें अपन, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि किसका देखें, अमोनियम कैल्शियम कार्बोनेट का देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है कैल्शियम और कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन। कैल्शियम के लिए सिंबल हो गया CA, कार्बोनेट के लिए सिंबल हो गया CO3। CA के लिए चार्ज क्या आएगा, प्लस टू, कार्बोनेट के लिए चार्ज क्या आएगा, माइनस टू। कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, टू इज द कॉमन फैक्टर, वन वन। फॉर्मूला क्या बन गया, क्रॉस ओवर करवाने का कोई मीनिंग तो है नहीं, वैसे करवा दीजिए CaCO3। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये भी पॉली एटॉमिक है लेकिन वैलेंसी देखिए या चार्ज देखिए वन ही है, तो वन को नीचे लिखने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यानी आप लिखते ही नहीं वन को, तो यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई नहीं किया है अपन ने। लेकिन अगर ये टू हो जाता, जैसे कि एक एग्जांपल और करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम की जगह अपन क्या ले लेते हैं यहाँ पे, सोडियम। ठीक है, तो इसमें पहले लिखेंगे एलिमेंट्स, आयन्स, सोडियम और कार्बोनेट। इसमें क्या लेना है, Na सिंबल, इसमें क्या लेना है, CO3, ठीक है। यहाँ पे प्लस वन, यहाँ पे माइनस टू, सिंपल रेशियो यही है। फॉर्मूला बनेगा Na2CO3। देखिए यहाँ पे भी ब्रैकेट की नीड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वन ही आप अप्लाई कर रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो वन को लिखते टाइम ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती पॉली एटॉमिक के अंदर, लेकिन अगर वन नहीं है, टू है या फिर टू से ज़्यादा है, मोर देन टू है, तो फिर आपको ब्रैकेट लिखना ही पड़ेगा। जैसे कि
अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट में क्या लेंगे आप? अमोनियम और कार्बोनेट। अमोनियम के लिए NH4, कार्बोनेट के लिए CO3। यहाँ पे प्लस वन, यहाँ पे -2। अमोनियम के नीचे 2 जाएगा, इसके नीचे, ये भी तो पॉलीएटमिक है, तो इसके नीचे इसको किस में क्लोज करना पड़ेगा? ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा। और फॉर्मूला बन जाएगा NH4 का होल ट्वाइस CO3। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव के ऊपर ही आप क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, पॉजिटिव के ऊपर भी आपको क्या लगाना पड़ता है, अगर पॉलीएटॉमिक है तो क्या लगाना पड़ता है, ब्रैकेट लगाना पड़ता है। यहाँ पर अगर दोनों ही पॉलीएटॉमिक हैं और दोनों की वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा है, तो दोनों पे ही ब्रैकेट भी लग सकता है। जैसे कि आप बना के देखिएगा, अमोनियम सल्फेट का, या फिर आप बनाइएगा सल्फेट के नीचे तो जाएगा ही नहीं, एल्यूमिनियम सल्फेट का, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है कितनी, +3, और सल्फेट की होती है -2, तो दोनों पे ही ब्रैकेट चला जाएगा, यानी एल्यूमिनियम के नीचे 2, 3 आ जाएगा, ब्रैकेट तो नहीं जाएगा। ब्रैकेट के लिए और भी कंसिड्रेशन है, जैसे अपन बात करें किसकी, अमोनियम के अलावा पॉलीएटॉमिक में अमोनियम ही है, अमोनियम तो 1 ही आता है, तो ब्रैकेट उधर जाएगा ही नहीं। कौन सा ले, अमोनियम सल्फेट, सल्फेट हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट ले लो, कैल्शियम सल्फेट में भी 2 होता है, सल्फेट का इधर होता है, वो कट होके CaSO4 हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एल्युमिनियम सल्फेट का अगर अपन उदाहरण लें, एग्जांपल लें, तो एल्युमिनियम सल्फेट के अंदर Al का 3 हो जाएगा और सल्फेट का 2 हो जाएगा, तो 2 जाएगा किसके नीचे, Al के नीचे, और सल्फेट का Al के नीचे 2 चला जाएगा, और एल्युमिनियम का 3 कहाँ चला जाएगा, सल्फेट के नीचे। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो आप करके देखिए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको और भी भेज दूंगी, बुक के अंदर तो बहुत कम है, आपके NCERT बुक के अंदर तो नहीं मिलेंगे, तो मैं आपको वर्कशीट के अंदर भेज दूंगी, तो आप उसको कंसीडर कीजिएगा, बना के कोशिश करिएगा, और 10th की बुक अगर मिल जाए तो उसके अंदर से फॉर्मूले बनाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपकी एडवांस में प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी तो देखते हैं और किस तरह से अपन और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैप्पी नाइट।